हेलो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ये जिक्र किया था कि PSW जो है वो स्टूडेंट्स को अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसमें हर एक की एक अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन और जो मेरा नॉलेज है उसके हवाले से मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको PSW के लिए फौरन स्विच करने से पहले कुछ चीज़ों को देखना होता है कि क्या आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं है। देखें, हर एक के लिए PSW के रूट पे जाना, मैं ये समझता हूँ, मुनासिब नहीं है। उसकी रीजंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद एक ही ऑप्शन होती है कि PSW पे चले जाएं, तो हम सारे स्टूडेंट्स के जहन में यही बिठा दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस होती हैं जो स्टूडेंट्स को सेटलमेंट में हेल्प आउट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने PSW की बजाय आप कोई कंपनी, जो स्पॉन्सर कंपनी है उसको ढूंढें और उसमें जॉब लेके अपना वीज़ा जो है वो वर्क वीज़ा पे उसको शिफ्ट करवाएं, और आप जो 5 ईयर्स का आपको वर्क वीज़ा मिलेगा उसमें आप जब अपने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे और जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके बाद आपको PR जो है वो मिल जाती है, और उसके 1 ईयर के बाद आप ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये अलहदा बात है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये जॉब ढूंढना, ये स्पॉन्सर कंपनी ढूंढना। इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कंपनी का क्या वॉल्यूम हो, आप वहाँ पे कितनी सैलरीज के जो है इनके टर्नओवर्स होते हैं कि कितनी आपकी सैलरी हो एनुअली, उसके बाद आपका जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने मिनिमम फिक्स की होती हैं, उनके पॉइंट्स, इसका पॉइंट बेस सिस्टम होता है, तो 70 पॉइंट्स आपने लेने होते हैं इस वीज़ा के लिए। तो ये आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है। लेकिन देखें, ये रूट अवेलेबल है, जो कि स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है वो डायरेक्टली PSW में चले जाते हैं। PSW के लिए क्या होता है कि जब आप PSW के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले तो आपने PSW की फ़ी पे करनी है, वो नॉर्मली जो है वो 1,000 पाउंड से कुछ एक्स्ट्रा होती है, ये भी एक कॉस्ट है। और फिर जब ये आपके 2 साल पूरे हो जाते हैं तो देन अगर आप कहते हैं कि हम इस दौरान में वर्क वीज़ा पे स्विच करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने के बाद ये आप कहते हैं जी अब हमने वर्क वीज़ा पे स्विच करना है और वो आप अपने टेयर चेंज करवा लेते हैं और 5 ईयर्स के वो वीज़ा पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में उसकी जो फीस होती है वो भी अगर आपने पे करनी होती है वो ऑलमोस्ट 3,000 के राउंड अबाउट होती है। तो ये देखें कि जो आपकी जो आपका फिनांस है वो भी डिस्टर्ब होता है। पैसे कमाना मुश्किल काम है UK में, लेकिन ये होता है कि आपने जो भी पेमेंट्स होती हैं तो उसके ये होता है कि उसको प्लान करके लगे, उसमें आपका जो फ्यूचर जो आप सोच रहे हैं चीज़ उसको आप मीट भी करें उन चीज़ों के साथ, तो उसमें आपका एक तो पैसा बचता है। फिर उस सूरत में ये होता है कि आपके 2 चिन्ह हैं, एक तो पैसा बच गया, दूसरा आपका टाइम बचता है। देखिए, PSW 2 ईयर्स का ले लिया, 2 ईयर्स के बाद आपने जब दोबारा 5 ईयर्स के उस वर्क वीज़ा पे जाना है तो आपका टाइम पीरियड वो फर्स्ट ईयर से काउंट होना है, 5 साल आपके वो काउंट करेंगे। लेकिन जब आप डायरेक्ट 5 ईयर्स के उस पे वर्क वीज़ा पे जाते हैं तो आपका ये जो 2 साल का PSW वाला पीरियड है वो आपको नहीं ये लेना पड़ता, यानी वो आप नहीं लेते, तो आपको डायरेक्ट वो 5 ईयर्स के लिए आप चले गए, तो इट मीन्स का आपके 2 साल भी सेव हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं ये सजेस्ट करता हूँ इंटरनेशनल अपने स्टूडेंट्स को, एशियन खासतौर पर स्टूडेंट्स जो भी हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह से, कि आप फर्स्ट ट्राई करें अपनी डिग्री कम्प्लीशन के बाद, कि हमने जो आपको 4 से 5 महीने मिलते हैं आपकी डिग्री कम्प्लीट होने के बाद, बट 12 मंथ का डिग्री कम्प्लीशन हो गई, 3-4 महीने एक्स्ट्रा वीज़ा लगा होता है आपका, तो आप उस टेन्योर में कोशिश करें कि आप अपनी जॉब ढूंढें, CV को अच्छा बनाएं, कंपनी ढूंढें, स्पॉन्सर कंपनी ढूंढें जिसके पास मल्टीनेशनल कंपनीज हैं तो उनको लें, तो उसमें ये होगा कि आपके पास एक रूट बन जाएगा बेहतर। लेकिन अगर नहीं मिलती तो फिर आपको PSW को एज अ बैकअप प्लान जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये मेरी रिकमेंडेशन थी। बाकी चूंकि वहाँ पे जब हम जाते हैं तो सर्कमस्टांसेस किसी टाइम चेंज होते हैं, ये चूंकि किसी के हाथ में नहीं होता, तो बहरहाल अपनी बेस्ट जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन होते हैं उनको चूज़ करना चाहिए ताकि आप अपने सेटलमेंट के जो रूट हैं उनको कवर कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं, और मीनवाइल आप हमारा जो यूट्यूब का चैनल है CFE कंसल्टेंट्स का, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चाहे वो UK के हवाले से हों, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हों, कनाडा के हवाले से हों, और इसके अलावा भी कुछ यूरोप कंट्रीज़ के हवाले से हों, तो आपको उनके रिलेटेड भी जो डिटेल्स हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।